बागोड़ा नगर पंचायत के पार्षद मोहम्मद नदीम ने क्षेत्रवासियों के साथ सोमवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी और ठेकेदार द्वारा मिलीभगत का शौचालय निर्माण में धांधली और लाखों रुपए के गोलमाल का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कर और धनराशि वसूलने की कार्यवाही की मांग की। सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के बाद पार्षद मोहम्मद नदीम ने बताया कि अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ठेकेदारों से मिलीभगत करके लगातार घोटाले कर रहे हैं। बताया कि वार्ड 9 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत 19 शौचालयों का निर्माण होना था, मगर ठेकेदार से हम साझ होकर मात्र 16 शौचालय का निर्माण कराया और 3 शौचालय की धनराशि का गमन कर लिया। इसकी शिकायत जिलाधिकारी से समाधान दिवस में 2 फरवरी 2021 को की। 1 मार्च को मौके पर जांच हुई और इसमें 305, 307 व 310 के शौचालय बने हुए नहीं पाए गए। ये शौचालय रईस शमीम और हम सिरन के यहाँ के बनाए जाने थे। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के सभी वार्ड की जांच कराई जाए तो लाखों की सरकारी धनराशि के गमन का मामला सामने आएगा। पार्षद ने कहा कि अधिशासी अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस मामले को 9 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रदर्शन से पहले पार्षद और उनके साथियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और इस मामले में निष्पक्ष कार्यवाही करते हुए ईओ के खिलाफ मुकदमा का गमन की धनराशि वसूलने और सभी शौचालय की स्थल की जांच कराने की मांग की गई। आज अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी मेरा नाम मोहम्मद नदीम है, मैं नगर पंचायत पागवाड़ा से सभासद पुत्र हूँ। कार्य ये था कि एक हमें जिलाधिकारी साहब को एक लेटर देना था। प्रधानमंत्री स्वच्छ मिशन के अंतर्गत कुछ शौचालय बनाए गए थे नगर पंचायत में, 497 शौचालय बनाए गए थे जो कि धरातल मौके पर इतने शौचालय नहीं बने। कम से कम 30 से 40 शौचालयों का घोटाला है जिसका हमने लेटर उप जिलाधिकारी SDM साहब को दिया था 8 महीने पहले, जिसमें लेखपाल साहब का और नायब तहसीलदार का सर्वे हुआ था और सर्वे में दोषी पाए गए अधिशासी अधिकारी जिसमें शौचालय नहीं बने गए थे, उसकी रिपोर्ट भी लगी लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही उनके शौचालय बने। क्या वजह है जो नहीं बने और कैसे पता आपको घोटाला हुआ है? घोटाला इसलिए हुआ है क्योंकि अकाउंट से पूरा भुगतान उसको कर दिया गया ठेकेदार को और जो हमारे पास लिस्ट आई थी शौचालयों की कि इनके शौचालय बन गए, हमने उनका सर्वे करा अपने वार्ड में, हमने देखा कि हाँ इनके शौचालय बने या नहीं बने लेकिन मौके पे जाके देखा तो उनके कोई शौचालय नहीं बने। कौन ठेकेदार हैं? चरण सिंह ठेकेदार हैं। ये ठेकेदारी कर रहे हैं कम से कम 2 साल इन्होंने ठेकेदारी करी, अब ये ठेकेदारी नहीं कर रहे हैं फिलहाल में। हम कार्रवाई चाहते हैं अधिशासी अधिकारी के खिलाफ और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो और गरीबों को उनका हक मिले। जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि स्वच्छ भारत के हमने सारे शौचालय बनवा दिए, कोई भी खुले में सोच नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी लोग कमी है अधिशासी अधिकारी की, खुले में सोच कर रहे हैं लोग, जंगलों में जा रहे हैं सोच करने के लिए, स्थिति बहुत ख़राब है। इससे पहले हमने ज्ञापन दिया था, DM साहब को भी दिया था, हमने उप जिला अधिकारी को दिया था ज्ञापन इससे पहले, लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं हुई। हमने अब DM साहब को ज्ञापन दिया है।